तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड मैं आप लोगों को बता दूं 36K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में सिर्फ 300 सब्सक्राइबर्स जो हैं वही बचे हैं, तो जल्दी से जल्दी यार चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फ्रीडम फेस ऑफ के बारे में। तो फ्रीडम फेस ऑफ है उसमें हमारे को 16 टीम्स खेलते हुए दिखाई देगी। इरेंगल एंड सैनोक के जो मैप हैं वो इसमें रहने वाले हैं। एंड जो इसका प्राइस पूल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एंड इसमें कमेंट्री करने वाले हैं मेजी एंड मायावी, वो भी आप लोगों को स्क्रीन शॉट में दिख रहा होगा। एंड जो 16 टीम्स इसमें इनवाइटेड रहने वाली हैं वो भी आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। एंड आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। अब मैं आप लोगों को लाइनअप के बारे में बता दूं कि किसका क्या लाइनअप रहने वाला है। जो डायनमो है उनके लाइनअप में डायनमो, ऋषभ, डेंजर एंड न्यूक्लियर रहने वाले हैं। एंड इसके बाद जो कनिका है उनके लाइनअप में कनिका, अल्फा, यूश एंड रेड जो है वो होने वाले हैं। एंड इसके बाद बात करते हैं स्काउट के लाइनअप की। स्काउट के लाइनअप में स्काउट, मवी, मॉर्टल, रेगा एंड वाइपर जो है वो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो जो श्रीमान लीजेंड है उनके लाइनअप में हमारे को श्रीमान, डेविल, डिवाइन, करण एंड चार्ली देखने को मिलने वाले हैं। जो बाकी लाइनअप है वो आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। एंड इसके बाद जो वादी हैं उनके लाइनअप में हमारे को वादी, कैरियोपी, स्ट्राइकर, स्किल्स एंड एविल सूर्या देखने को मिलने वाले हैं। जो हस्तर है उनके लाइनअप में हमारे को रेड ओवल की टीम देखने को मिलेगी, हस्तर, टेड, सीरवी एंड 420 ओपी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लाइनअप है वो है हमारा नोवा का। जो नोवा किंग है उनके लाइनअप पे नोवा, स्मोकी, रायद एंड एस पावर खेलने वाले हैं। जो पायल है उनके उस पर हमारे को ओआर की टीम खेलते हुए दिखाई देगी, डेस्ट्रो, गिल, वैक्सी एंड आदित्य उसमें रहने वाले हैं। एंड जो नेक्स्ट लाइनअप है वो है हमारा एनकोर का। एनकोर के लाइनअप में पैराडॉक्स, ऑस्टिन, टॉप डॉग एंड एनकोर जो है वो खेलने वाले हैं। इसके बाद जो जोनाथन है उनके लाइनअप में हमारे को वही टीम देखने को मिलेगी, जोनाथन, नियो, क्लच गॉड, जी गॉड। एंड इसके बाद जो आईएनडी है उनके लाइनअप में हमारे को देखने को मिलेंगे स्नैक्स, आतंकी, दलजीत, स्लेयर एंड क्रेटोस। एंड जो मांबा है उनके लाइनअप में हमारे को देखने को मिलेंगे मांबा, अक्षत, ओमेगा एंड अक्षु। एंड जो बाकी सारे लाइनअप हैं वो अभी तक कन्फर्म नहीं हुए हैं, एंड अगर वो कन्फर्म हो जाएंगे तो मैं आगे स्क्रीनशॉट जो है वो वीडियो के एंड में डाल दूंगा। तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है हस्तर को लेके। तो जो हस्तर है उनकी चैंपियनशिप के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था उनका जो टीडीएम टूर्नामेंट है वो होने वाला है। इसके अंदर सभी खेलने वाले हैं एंड 1v1 ये टीडीएम बैटल होने वाला है। हर टीम से इसमें एक प्लेयर खेलने वाला है एंड वो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एंड आप लोगों को क्या लगता है ये जो टीडीएम बैटल है कौन जीतने वाला है मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है गोल्डी भाई को लेकर। जो गोल्डी भाई हैं उन्होंने बात करी कि नेक्स्ट मंथ हमारे को उनकी तरफ से कुछ देखने को मिलने वाला है। एंड उन्होंने BGMIIS के बारे में भी कुछ बोला था, तो वो दोनों क्लिप आप लोग देख सकते हैं। काम हुए इस एक महीने में, बहुत कुछ आप लोगों को नजर आने वाला है नेक्स्ट एक महीने में, बहुत कुछ। क्या पर लोगों कौन सा है इसमें फोन, गेम कब तक आ जाएगा, अपनी डेट्स गेस करो कमेंट सेक्शन में। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ एक आइडिया कि मैं पछता रहा हूँ आरओजी लेके, इसलिए नहीं कि फोन खराब है, फोन बहुत अच्छा है, बस इतनी हिंट बहुत है, पछता रहा हूँ मैं, पछता। पीयूष कुमार सिंह, थैंक यू। एंड इसके बाद जो गोल्डी भाई हैं उनसे लोग पूछ रहे थे कि सोल के ड्रॉप क्लैश पे आपके क्या व्यूज़ हैं, तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। एंड उन्होंने बताया कि जो SATUL है वो इंटरनेशनल होने वाली है एंड इसी के बारे में जो और न्यूज़ है वो हमारे को देखने को मिल जाएगी। फिलहाल उन्होंने बताया कि वो बात कर रही हैं इंटरनेशनल रोस्टर से, तो वो क्लिप आप लोग देख सकते हैं। ड्रॉप क्लैश तो हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, ड्रॉप क्लैश होने में कोई रूल लिखा है कि ड्रॉप क्लैश नहीं होगा कहीं? करने दो भाई जिसको ड्रॉप क्लैश करना है, ये लोग फाइट लेंगे, अच्छे प्लेयर्स होंगे तो निकल जाएंगे ड्रॉप क्लैश से, और सब लोग मिलके मारेंगे तो बात अलग है, तो मार खाएंगे, उसमें क्या है, उसमें क्या है, एक दूसरे को भी तो मारेंगे। एनी प्लान्स फॉर इंटरनेशनल SATUL कीप ग्रोइंग? यस 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 यस, वी आर थिंकिंग अबाउट इट, वी आर इन टॉक्स विद सम इंटरनेशनल रोस्टर्स ऑफ फ्यू गेम्स, हमारे दिमाग में है हम लोग इंटरनेशनल जाएंगे तो जाएंगे। गोल्डी भाई DP अपग्रेड करनी है, UC दिला दो। तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है अमन एंड नियो के मैटर को लेके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल जब जो अमन है उनकी स्क्रिम्स में इनकी फाइट वगैरह हुई थी, तो इसके बाद जो नियो है उन्होंने बोल दिया था कि INGL मयूर का लाइट वर्जन। तो इसी पे यही चीज़ को लेकर जो अमन है उनकी चैट में बहुत ज़्यादा चल रहा था कि जो नियो है उन्होंने आपको हैकर वगैरह बोला है, तो इस पे दोनों ने क्या रिएक्ट करा वो दोनों क्लिप आप लोग देख सकते हैं। ठीक है भाई भाग 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 कौन है प्लेयर डायरेक्ट लेवल इसके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। लेट्स गो, आपको पता चल गया भाई, आपको पता चल जाना चाहिए डायरेक्ट स्लैमिंग और व्हाट कुमार है भाई, एंजेल मयूर और व्हाट, एंजेल मयूर का लाइट वर्जन आज तक नहीं देखा भाई मैंने, इन लोगों को ऐसा पुश करके
करो भाई डेली करो, अगर हम लोग के जैसा हमेशा करे तो बात भी बनती है भाई अचानक। सो गाइस थैंक लगेगा टाइम, वहाँ मेरा गन फाइट धीरे धीरे आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कल में 1v1 नियो से रखा था, आज वापस बदला ले लिया उसका और उसने मुझे स्ट्रीम स्नाइप बोल दिया। ठीक है भाई, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, जिसको जो बोलना हो बोलने दो। नियो ने आपको हैकर बोला था? हाँ यही यही गाइज, जिसको भी जानने का है जो भी कुछ भी हुआ हो, ये मेरा लोको पे पूरा स्ट्रीम है, वो वाला गेम भी है जिसने मुझे हैकर बोला, जिसने मुझे स्ट्रीम स्नाइप बोला। हाँ हाँ, हमारे लाइफ में यही बचा है ना अभी 700K होके 300K वाले को स्ट्रीम स्नाइप करेंगे, यही बचा है। छोड़ो, मेरे को कुछ बोलने का ही नहीं, जिसको जो सोचना हो सोचने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोग हो मेरे साथ, मुझे इतना ही चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है गॉड लाइक को लेके। तो आप लोगों को भी पता ही है, जो 15 अगस्त है उस पे अनाउंसमेंट होने वाली थी गॉड लाइक के लाइनअप की। एंड इसके बाद जब अमर से पूछा गया उनकी लाइव स्ट्रीम में, तो उन्होंने बताया कि जो गॉडल का लाइनअप है वो डिले होने वाला है, क्योंकि कल हमारे को टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे। तो वो चैट भाई होगा डिले तो होगा भाई, सिंपल ऐसे बोल रहे भाई, जानबूझ के हम तुमसे कोई दुश्मनी है तो जानबूझ के कोई डिले करते जा रहा है। इनको ऐसा लगता है आप लोग कुछ अनाउंसमेंट करके खुद के पास रख दोगे, उनको नहीं बताओगे। कमेंट पढ़ना ही मत। अरे तो ये पागल है ये संदीप कदम भी बहुत पक पक कर रहा है ना पक भाई। अच्छे कमेंट देख लो ये। अरे चुप। ओके गाइस, हाँ डन भाई। अनाउंसमेंट कब देखो ना, प्यार कल करने वाले थे तो कल थोड़ा सा टूर्नामेंट आ गया, हमको पहले ही पता है, हम बताते नहीं बस। इस बार कंटेंट जीतेगा क्या? एंड इसके बाद जो हमारे उनकी चैट में बहुत ज़्यादा चल रहा था कि नियो एंड एसपावर का क्या मैटर है, तो उन्होंने बताया कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो गई थी जो अब क्लियर हो चुकी है, तो उनकी वो क्लिप आप लोग देख सकते हैं। तो है नहीं, नहीं नहीं एसपावर गॉडल में गाइस ऐसे कुछ नहीं है, अफवाह पे ये मत करना। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, सब कुछ सॉर्टेड बस। अब फ्री में आप उसी के ऊपर ये मत करना, फ्रंट एंड लाइनअप फॉर टुमारो बताते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है डायनामो को लेके। उन्होंने बताया था कि उनके दो लाइनअप होने वाले हैं, एक जो ई स्पोर्ट्स खेलने वाला है एंड एक जो लाइनअप है वो उनका रैंक पुश वगैरह में करने वाला है, तो वो जल्दी से जल्दी ये चीज़ हायर करने वाले हैं एक दूसरा लाइनअप, तो वो क्लिप भी आप लोग देख सकते हैं। कब करोगे BGMI में प्लीज ब्रो, मुझे करनी है रिक्रूटमेंट। हम अभी ना एक ई स्पोर्ट्स टीम के बारे में सोच रहे हैं, वो हम करेंगे बहुत जल्दी अभी, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि एक और टीम हम उठा ले जो लाइक नॉर्मल सी मे भी शायद रैंक पुश के लिए, यू नो लाइक जो बहुत हार्डकोर रैंक पुश करती हो एकदम लीडर बोर्ड वाला सीन। बट हाँ, अगर चीटर्स होंगे तो घर पे लात मार के 10 साल के लिए आईडी बैन करवा दूंगा एक झटके में, कोई दिक्कत नहीं अपने को। तो गाइज नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है, वो निकल कर आ रही है क्लाउनी को लेके। जो क्लाउनी है उन्होंने एक स्टोरी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा है 5 बजे कुछ आ रहा है क्या, तो आप लोगों को वो स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। एंड इसके बाद जो सिड है उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई थी, वो भी आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। एंड ये वीडियो मैं सुबह ही अपलोड कर देता क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम न्यूज़ सुबह ही मेरे को मिल गई थी, बट मेरे को बहुत तेज फीवर वगैरह हो गया था तो इसलिए मैं सुबह अपलोड नहीं कर पाया। तो बस अभी के लिए इतना ही, कोई और वीडियो या न्यूज़ मेरे को मिलेगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो का बेस्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.